हाय दोस्तों, असर का नमाज पढ़ लिए हैं, अब चलते हैं हेल्प करने के लिए। अब तारी बनाने में हेल्प करने के लिए, फल काटने में हेल्प करना है, शरबत बनाना उसमें हेल्प करना है। तो चलते अब किचन की ओर। किचन की ओर अब देख सकते हैं सब तैयार हो गया है। इसका क्या बनेगा? ब्रेड चप, आलू चप इसका, ये चना दाल का पकौड़ी, बेसन, इस बेसन का भी पकौड़ी। और ये क्या है? ये तो सब्जी है, आलू अंडा। और ये चना है। अब चलते हैं, बनाना है क्योंकि बहुत काम है यहाँ पर। पुदीना का शरबत आज बनाइए। ठीक है, आज पुदीना का शरबत बनाएंगे। इधर देखते हैं क्या हो रहा है, फल कट रहा है कि नहीं। अब फल कटने वाला है, देखिए। तरबूज, खीरा, अंगूर, केला, कमला, नींबू, एप्पल, अभी और तरबूज आया है। और ये खजूर दिल्ली से आया है। हम शरबत, मेरा काम शरबत है। नहीं, छाना है। हाँ, छानेंगे। इधर देखिए पकौड़ी छना रहा है, इसमें रुआब जा, पुदीना का शरबत बनेगा। ये रुआब जा, बहुत काम है मेरा, इसको आना है। अब जाकर नींबू निचोड़ देते हैं। हाँ, धो के ही, हमें मुझे पता है। और दोस्तों, आप भी कुछ बनाने से पहले साबुन से हाथ जरूर धोएं, समझी कि नहीं पागल लड़की? हाँ। ये देखिए, मत करो, ये देखिए। अम्मा, मुझे पकौड़ी खाना है। आपके लिए तो बना। ये जो बिच्चा है, ये चाय छन्नी से छना जाएगा बाद में, लास्ट में छानने के बाद, फिर उसके बाद ठंडा पानी मिलाकर इसमें शरबत मेरा तैयार हो जाएगा। ये पहले आप खा के फिनिश करो। सब नींबू दे दे सलाद में, क्या देंगे? नींबू लाइए, नींबू लेकर आ रहे, काहे टेंशन ले रहे? रख दिए, ढक कर रखना चाहिए क्योंकि पड़ जाएगा। अब ये पुदीना है, पुदीना धोकर चार पत्ता काट के देना है। और पकौड़ी देखिए, पकौड़ी। अब क्या काम है मेरा? छानना। तो रुकिए ना, ये पुदीना धो के काट लेते हैं। हाँ, ये पुदीना धो के काट देते हैं, इसके बाद मिलते हैं दोस्त। ये तरबूज देखिए, तरबूज का भी शरबत बनेगा इसका ना, तरबूज का शरबत बनेगा। और ये शरबत में हम पुदीना डाल चुके हैं, पुदीना पत्ता। आइए, घुलने में भी टाइम लगेगा, आधा घंटा। इसके बाद बर्फ पानी डाल देना है। तरबूज का शरबत बनने वाला है। तरबूज पिसा रहा है, देख रहे हैं। पुदीना भी पीस के डाल देते हैं ना इसी में, दो पत्ता। कच्चा चना का दाल, नींबू, प्याज, टमाटर, खीरा। और इसको नींबू निचोड़ के ये आपका तैयार हो गया सलाद। खेत का दूध बनाए।
हाँ खुशबू बहुत ही टेस्टी है। पुदीना पुदीना डाल के डाले थे ना, अब चीनी भी डालेंगे। जोड़ा मचा ले, हाँ शीशा चिल्ला, मेरा मेरा मेरे मामा ले, हाय पागल, मामा मेरे मामा ले, और बो नहीं है, सही रहने दिए ना, नहीं बीच एक दो बिचारा क्या बिच्चा तो निकल जाएगा, छानिएगा तो कहाँ सही होगा, ऐसा ही सही है, बिच्चा तो ऐसा ही निकल जाएगा। पानी नहीं डालिएगा? नहीं नहीं नहीं, सब बना रहे, थोड़ा सा पूरा खाओ ना, पागल है क्या? हाँ क्या पकौड़ी बन रहा, इधर दूर रहो, तारी दिया जा रहा है गरीब को। कैसे हो? बोले बोले, आपने रोजा रखा? आपने रोजा रखा? बोले मैंने रखा। नींबू लाने जा रहे हैं, टाइम बहुत कम बचा है, अभी मुश्किल से 20 मिनट टाइम बचा है, और नींबू लाते हैं क्योंकि नींबू रखा हुआ है उधर फ्रिज में, तो लेके आते हैं। आ गए हम, नींबू नींबू तो शरबत में तो डला गया नींबू, बाकी डालना है इसमें क्या बोलते सलाद में। किचन की ओर ज्यादा बर्फ ने, हाँ हाँ हो गया ना, देखिए तारबूज का शरबत ऊपर से वो पट्टी ना, हाँ ये तो बात, ऊपर यहाँ पे नींबू फंसा दीजिए, यहाँ पे नींबू फंसा दीजिए, यहाँ पे आपका जा करके पुदीना का पत्ता फंसा दिए, तरबूज का शरबत रेडी है, और ये रुआबजा का शरबत भी रेडी होने वाला है, अब थोड़ा सा और बचा है, क्योंकि यहाँ पे भी ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं हैं, क्योंकि वरीसा रीदा लबी जितने थे सब दिल्ली चले गए, यहाँ पे बस आदमी बचे हैं तीन, और तीन का ही अवतारी है, बस तीन का इतना अवतारी बन रहा है। देखिए दो ही लोग हैं बस, ज़्यादा आदमी है नहीं, सब दिल्ली चले गए वरीसा रीदा, इसीलिए ज़्यादा अवतारी बना नहीं। आइए ये अवतार, और अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, दो मिनट और बचा है दोस्तों, दो मिनट और आपसे बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई नहीं है वहाँ यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हम खा रहे हैं, नहीं तो वहीं पे सब के साथ मिल के खाते, सिम्मी के साथ मिल के खाते मज़ा आता, पर यहाँ पे कोई नहीं इसलिए यहाँ पे ले आए। और ठीक है दोस्तों, अब अजान होने वाला है, अब तारी का टाइम हो गया है, रोज़ा खोलने वाले हैं, तो बस दो मिनट और बचा है, एक डेढ़ मिनट और बचा है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, अब तारीख करके फिर नमाज भी पढ़ना है, नमाज पढ़ के फिर थोड़ा आराम करना है, बहुत थके हुए हैं। और इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, आपका होस्ट आपका दोस्त ब्लैक बॉय कल्लू। आप मेरे चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, और सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन घंटी को भी बजा दे, क्योंकि जितने भी नए वीडियो आएंगे तब नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएंगे। लव यू गाइस।